पहले गए रुपए 120 पनीर की सब्जी है और उसमें देखो हड्डी निकल रही है मुर्गे की, बकरे की हड्डी, जिंदा मुर्गा। अब यार ये है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। और इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हैदराबाद से और ख़त्म होएगा दिल्ली पे। तो जो हमारा भी ट्रिप था 10 दिन का, उसकी एंडिंग होने जा रही है। तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से दिल्ली के लिए। और बाकी ये था अपना रूम, कुछ मस्त सा। सारे भाई निकल गए, बाकी निकलते हैं और चलते हैं बाहर। फाइनली पहुंच गया सिकंदराबाद मेट्रो स्टेशन, कह रहा हूँ रेलवे स्टेशन। और ट्रेन तो ऑन टाइम है, बाकी देखते हैं कितनी देर में निकलते हैं, चलते हैं अंदर। तो भाई ये रही सारी चीज़ें और वी आर ट्रैवल विद इतना सारा सामान। तुम्हें तो एक्सपीरियंस है ना, कितना है? 2 साल का है, छोड़ के चली गई। अबे क्या बोल रहा है पिलिय? अरे बाबू का नहीं, ट्रैवल का बताना था। ट्रैवल का तो यार बहुत साल, बचपन से मैं ट्रेन में ही जाता हूँ। अच्छा, इतने सारे सामान के साथ फिर तो बहुत कम है। कम है? अच्छा कोलकाता वाले हो ना। हेलो दोस्तों, अभी बजे सुबह के 5:30। खुल गई नींद, क्या कर रहा है? आंखें हिला रहा है। एक हो रहा कैदी, 100 हो रहा है मोटे। पहले दोस्तों जैसा कि अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहा है और अब जाके हमारी आंखें खुली है। 4 बजने वाले मैं जब से जगाने की कोशिश तो कर रहा हूँ, तुम नींद में डोल रहे हो। मैं सोच रहा हूँ अब उठो, अब इंट्रो शूट करेंगे, वीडियो शूट करेंगे। सुबह उठ के 9 बजे बाथरूम में गया हूँ और पता है क्या क्या बोल रहा हूँ, गाइस ट्रेन कहाँ पहुँची मेरे को नहीं पता, अभी मेरे को नींद आ रही है। और मैं ना टॉयलेट में इंट्रो शूट करके वापस आके सो गया। मगर जब बंदे जगेंगे उसके बाद बनाएंगे मस्त। पर यार वेदर कितना प्यारा हो रहा है ना, इटारसी पार कर दिया है और अब हम एमपी में। एमपी में भूक चुके हैं, हम भूक गए हैं एमपी में। और अभी देखते हैं 5 बजे हमारी ट्रेन हमें पहुँचाएगी भोपाल। पहले गियर में 160। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय रे भाई का चैनल। आप देख रहे हैं कलवा राइडर ब्लॉग और मैं हूँ रोहित साधुआ। आज के ब्लॉग में हम आप पहुँच चुके हैं नर्मदापुरम, जो कि स्थित है एमपी में। और हम एमपी आ चुके हैं कल रात से ट्रैवल करते करते, हिलते हिलते डुलते डुलते। तो हिल बहुत रही है, बहुत ज़्यादा लेट चल रही है, शायद लेट ही पहुँचेंगे घर पर भी। तो कोई कभी की चैन खींच देता, कोई कभी चैन खींच देता है। लोगों ने अपनी पैंट की चैन समझ रखी है ट्रेन की चैन को, जब मर्जी खींच देते हैं जब मन करता है। गलत बात है यार, सब लोगों को परेशानी होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, किसी को इमरजेंसी हो कहीं जाना हो तो समझना चाहिए। लंबे रूट की ट्रेन का यही नुकसान है कि साला जब कहीं भी मन करा कोई कहीं भी कर जाता है, गलत बात है। मत क्या चो और सारी मैंने भाई इससे रेलवे के आसपास मतलब ट्रेन ट्रैक के आसपास गंदगी देखी, मतलब इतनी सारी गंदगी, लोगों ने बस खिड़की से फेंक देते हैं और वो सारा गंद बाहर गिरता रहता है। मत एसी करो। वालों का तो ठीक है, एसी वाले तो बाहर नहीं फेंक सकते, देखो गंद है। और क्या नाम है, जनरल वाले और जो हमारे स्लीपर वाले हैं उनको भी समझना चाहिए भाई यार, गंदगी पास ही रख लो ना, क्या दिक्कत है, एक दिन की तो बात है। अगर डस्टबिन भी तो होते हैं पास, नीला यहाँ पे बाथरूम के लिए, हरा टॉयलेट के लिए, सिटी मार दूँ नीला। चलो आ जाओ, ग्रीन लाइट होगी, चलो अरे आ जाओ, चलो चढ़ जाओ,
अबे छींटे कहाँ से आ रहे, बारिश स्टार्ट होगी भाई। तो यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉप था और वो हो गया ख़त्म और बारिश भी स्टार्ट हो गई, बूंदे गिर रही है मेरे फ़ोन के ऊपर और बहुत ज़्यादा पास हो गया। कोई बात नहीं, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट स्टेशन पे। पनीर की सब्जी है और उसमें देखो हड्डी निकल रही है मुर्गे की, बकरे की हड्डी, जिंदा मुर्गा। अब यार जिंदा ना, वेजिटेरियन बंदे क्या करे भाई। मेरे लिए तो सही हो। किसने मंगाया था? मैं मालूम नहीं। पर्चा उठा, पर्चा पड़ा ना, ये रहा, ये सुखा ही तो है, शेरे पंजाब से तो मंगाया था। भाई मैंने दिखाना एक बार, बैठे बैठे ही काम कर दूंगा, टेंशन ना ले। तो फोटो दियो मुझे उसकी। ये है नजारे, कितने अच्छे आ रहे हैं और बारिश का मौसम में इस रूट पर मैं पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसा कि हमारी जो है सीटीज हैं वो है 3rd AC में, बट यहाँ जो गुजारा ना इतना अच्छा, उस चक्कर में हम यहाँ पर खड़े हो जा रहे हैं। अरे दिखाता हूँ आपको, नज़ारे दिखा रहा हूँ अंकल, डाट रहे हैं।